अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? ये ऑनलाइन संभव है। आपको ये काम करने के लिए ऑनलाइन आना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में गूगल में लिखिए ई फिलिंग। अब ई फिलिंग लिख के अगर आप सर्च करते हैं तो जो दूसरा वाला रिजल्ट आएगा उसे आपको एक टैब में खोलना है। राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करिए। अब वो करने के बाद आप दूसरा वाला टैब पे ये खुल जाएगा। ये जो वेबसाइट है ये देखिए इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग डॉट गॉव डॉट इन, इस वेबसाइट में आपको आना है। अब राइट साइड पे देखिए कि न्यू टू ई फिलिंग रजिस्टर योर सेल्फ, इस पे आपको क्लिक करना होगा। पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, फिर आप कर सकते हैं, ये लिंक कर सकते हैं। देखिए आप अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल करिए, आप इंडिविजुअली होंगे तो इंडिविजुअल करिए। अगर आप कंपनी करते हैं यहाँ पे इस ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इंडिविजुअल है तो इस तरफ आपका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे की तरफ आइए, देखिए ये अगर आप हैं तो ही इस रेडियो बटन को क्लिक कीजिए, वरना नहीं। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। करने के बाद यहाँ पे आपका पैन नंबर देना होगा। टाइटल दीजिए, अगर मिडिल नेम कोई है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और अपना फर्स्ट नाम दीजिए। देने के बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। अब उस सब कुछ भरने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपका यूज़र आईडी, पैन कार्ड का नंबर है वो बन गया है। आपको एक अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे देना होगा। देने के बाद फिर से आपको वही रिपीट करना होगा। अब देने के बाद यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा, यहाँ पे जो पासवर्ड आपने डाली है वो फिर से यहाँ पे रिपीट करने पर ही यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा। अब उसके बाद प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन पे, यहाँ से प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप अपना जो आंसर है वो डाल दीजिए। ये अगर आप आगे में जाके अपना अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं, आप फिर से पाना चाहते हैं, तो उस वक्त ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर आपका काम आएगा। तो आप ये करने के टाइम पे अपने डायरी पे ये ज़रा नोट कर लीजिए। अब सेकेंडरी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा, अब फिर से आंसर दीजिए। अब देने के बाद नीचे आ जाइए। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे दीजिए, अगर आप नहीं हैं तो मोबाइल नंबर दीजिए, अगर आपका नहीं है तो मोबाइल नंबर दीजिए, अगर आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल दीजिए। अब अपना एक वैलिड ईमेल आईडी दीजिए यहाँ पे। कोई दूसरा अगर ईमेल आईडी है अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई भी इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ आपके पास है तो ये दीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। फैक्स नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं ये फिल नहीं करूँगा। अब अपना करेंट एड्रेस यहाँ पे देना होगा तो आप दीजिए। अब सब कुछ दे देने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसे यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो पास में जो ये रिफ्रेश का बटन है इसे क्लिक करिए तो नया कैप्चा आ जाएगा। अगर आपको वो सही लगता है तो यहाँ पे दे दीजिए। अब सबमिट पे क्लिक करिए। देखिए सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ई फिलिंग, ट्रांजेक्शन आईडी भी दे दिया गया है, ए लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट हैज़ बिन ईमेल टू, आपको ईमेल कर दिया गया है और एक ओटीपी पिन भी दे दिया गया है। तो मुझे आप क्या करना होगा, अब मुझे मेल खोलना होगा। अपना मेल खोलिए, आपके मेल पे एक लिंक गया है, उस लिंक को क्लिक करते ही आपका वेरीफाई करना होगा।
वेरीफाई करने के बाद ये अकाउंट खुलेगा। तो अपना आप जो ईमेल आईडी वहां पे दिए थे उस ईमेल आईडी को खोलिए। देखिए यहाँ पे एक लिंक आया है, इसको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक करना होगा, क्लिक करिए। अब अपना मोबाइल पे एक पिन गया है, उस पिन को यहाँ पे डालना होगा। ये बहुत ही सिक्योर व्यवस्था है, इसलिए इतना कुछ देना पड़ रहा है। आप समझते ही होंगे कि इनकम टैक्स की चीज़ है ये। तो अपना मोबाइल पे, मोबाइल से वो जो पिन गया है उसे यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि द यूज़र आईडी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब एक्टिवेट हो गया है। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर होम पे जाके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे आईडी देना है और अपना पासवर्ड देके कैप्चा देने के बाद लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि वंस आधार कार्ड लिंकिंग इज कंप्लीटेड यू कैन ई वेरीफाई योर रिटर्न यूजिंग आधार इफ योर मोबाइल इज रजिस्टर्ड विथ आधार। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तब आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो नाम है आधार कार्ड पे वो सही है या गलत, यहाँ से ठीक तरह से देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिए थे वो सही है यहाँ पे या गलत है, ठीक तरह से देख लीजिए। आपका जो जेंडर है देख लीजिए। अब उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, फिर यहाँ पे आपका कैप्चा देना होगा और लिंक नाउ पे क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। अब सब कुछ देने के बाद लिंक नाउ पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आधार पैन लिंकिंग इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे आपने सक्सेसफुली अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से जुड़ दिया है।